इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऐप नए साल में देशवासियों के लिए तोहफा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी। सर, ये जो ऐप लॉन्च किया आप लोगों ने, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, ये बाकी जो ऐप अभी मार्केट में है या जो लोग यूज़ कर रहे हैं उससे किस तरह से अलग होगा? देखिए, भीम जो है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये UPI USSD को दोनों को कवर करता है। एक तो UPI USSD आप कहते रहिए लोग समझेंगे नहीं, तो भीम एक तो PM ने जैसे बताया उसका ये कॉमन जनता समझ पाएगी, और दूसरा कि इसको बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, बहुत ही इजी कर दिया गया है, और इसमें एक तो मल्टीलिंगुअल हो गया है, दूसरा USSD को UPI से लिंक कर दिया गया है तो इंटर ऑपरेबल हो गया है, तो बहुत आसान तरीके से इसको किया गया है। और इसके मेरी जो राय है कि मैं बोलूँ उससे अच्छा है कि आपके सारे व्यूअर्स उसको डाउनलोड करके ट्राई करें। आज मत डाउनलोड करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बहुत हैवी डाउनलोडिंग हो रही है, पर कल उसको डाउनलोड कीजिए और खुद करिए। इतना आसान है कि बच्चों के खेल की तरह है। तो इसमें जितने इजी फीचर्स हैं, सिंप्लिसिटी है और आराम से सेंड और रिसीव हो जाता है, तो इसको आप लोग ट्राई करिए मेरे विचार से। इसमें आधार से भी लिंक करने की योजना है जैसे बताया गया कि आधार से इसको लिंक करने पर, तो कितना इससे सिक्योर हो जाए, क्योंकि देश की जनता जो है यूज़ तो करती है पेमेंट ऐप्स लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर डरती है, तो आपको क्या लगता है कि भीम जो ऐप होगा एक तरह से पूरा सिक्योरिटी से कवर होगा? इसमें क्या एक भारत सरकार का अगर ऐप है तो ये मानकर देश की जनता चले कि इससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा सिक्योर है। और मेरी राय से जो अगला कदम जो भारत सरकार लेगी वो पूरे भारत सरकार में, देखिए हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय आधार सबका है, तो आधार जिसका है और सबका बैंक अकाउंट से धीरे धीरे लिंक, करीब 40 करोड़ लोगों का तो आधार से लिंक्ड है, तो धीरे 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 ये सबका अंगूठा, आपको केवल नंबर आधार अपना फीड करना है और उस पर अंगूठा लगाइए और बैंक का नाम लीजिए, आपको अकाउंट नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे उस बैंक से आपके अकाउंट पर ले जाएगा और वहाँ से आप सीधे पेमेंट कीजिए, सेंड और रिसीव करिए। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है, और जब इसको लोग आदि हो जाएंगे इससे, आपके अपने जैसे PM ने कहा कि आप अपने अंगूठे के आदि हो जाएंगे, तो आपका अंगूठा तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपका आयरिस तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो आधार तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, 100% फुल प्रूफ है और इंटर ऑपरेबल सिस्टम है सारा का सारा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी एक कदम होगा, और ये गांव-गांव में देखिएगा कि जितने आपके राशन शॉप्स हैं वो फिर करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन पर ये लिंकअप होगा और मोबाइल फ़ोन से आप सीधे इससे पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सर, अभी तक जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं उसी के दौरान जो अपना रुपए पेमेंट गेटवे है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं विदेशी पेमेंट गेटवे के ज़रिए होते हैं, तो अगर ये भीम ऐप अगर काम करने का सही तरीके से, तो आपको लगता है कि जो इंडियन गेटवे है उसको कितना मजबूती मिलेगी, कितना इस पर ट्रांजेक्शन बढ़ सकता है? नहीं, आगे मेरा जो अपना विचार है कि आगे चल के ये भारत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और टेक्नोलॉजिकल जंपिंग होगी, हम लोग कई कदम टेक्नोलॉजी में कूदेंगे और उसकी वजह से लोग फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM भूल जाएंगे और सारा मूवमेंट, सारा ट्रांजैक्शन आधार के द्वारा करेंगे। डाटा लोकलाइजेशन की वजह से सरकार को बेनिफिट मिलेगा, डाटा सब मिल जाएगा क्योंकि ये पेमेंट गेटवे अगर नहीं, डाटा केवल नहीं, डाटा एनालिटिक्स होगी और डाटा एनालिटिक्स की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक हेल्पलाइन लॉन्च करने की बात की थी 1444 की, वो कब तक लॉन्च होगी और उसका वो कैसे लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, 1444 जिसको डिजिटल पेमेंट में तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, वो सब समझाने के लिए है और सारी इश्यूज़ 1444 पर बताई जाएंगी। कंप्लेंट अगर कोई रजिस्टर करना हो तो? देखिए, कंप्लेंट के लिए तो नहीं है, वो सिखाने पढ़ाने के लिए है, बताने के लिए है, इश्यूज़ के लिए है, इसके लिए है। और मेरे विचार से कंप्लेंट्स के लिए तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाइए कहीं जहाँ भी डिजिटल प्रॉब्लम हो रही है।
जो ये पूरा क्लेश कैश की जो इकोनॉमी जो बिन किया जा रहा है सर, तमाम जितने भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कहा गया था कि 31 के बाद तक हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको वेव ऑफ कर रहे हैं, MDR चार्जेज वगैरह, ये क्या आगे एक्सटेंड कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो मार्च तक बढ़ा दिया गया है, उस पर कई कदम लिए गए हैं, RBI का नोटिफिकेशन आ गया है, वो मार्च तक बढ़ा है। कोई जो ट्रांजेक्शन फीस होती है उसको कोई माफ़ करने की भी योजना है आने वाले दिनों में, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही होती है? नहीं, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल पेमेंट को की मदद की जाए और फिस्कली एडवांटेज किया जाए और कैश ट्रांजेक्शन से ज़्यादा एडवांटेजियस रहे। अभी आप कैश जो विड्रॉ करते हैं 3 बार के बाद आप पे चार्ज लगता है, पर 3 तक आप विड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली। एक दूसरा, डिजिटल पेमेंट पर कुछ मर्चेंट MDR लगता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये सब लग के बैलेंस हो जाएगा आगे चल के। आप कुछ दिनों की बात है, आप आगे चल के देखिएगा, पर आधार ऐप जब आएगा तो MDR तो लगेगा ही नहीं उस पर, आप अपने मोबाइल से अपना अंगूठा लगाइएगा। ये बात चल रही थी कि जो आप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करना है, तो क्या उस पर कुछ चार्ज लगाने की अभी योजना नहीं थी, कोई रिकमेंडेशन गई है कि किस तरह से चार्ज लगाएंगे, क्योंकि अगर कैश को डिस्करेज करना है तो करना पड़ेगा? नहीं, कैश पर चार्ज लगाने की बात नहीं हुई, ये हुआ है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को चीप किया जाए, कैश के लेवल पर ले आ जाए, वो हम लोग रिकमेंड किया है। हम लोगों ने RBI को भी रिकमेंड किया था, जिस पर RBI ने कार्रवाई की और कई चीज़ें हुई हैं उस पर। जी, अब सबसे बड़ी बात कि जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है वो अब बहुत सारे लोग वेट करते हैं, कल भी एक है संबोधन 7:30 बजे, लखनऊ की रैली में भी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या बड़ा कुछ हो सकता है कदम अगर इस दिशा में देखें तो? हम और आप भी वेट करें कल, तो वो तो प्रधानमंत्री बताएंगे क्या पैकेज उनके दिमाग में है। फिर भी मतलब क्या दिशा हो सकती है, क्योंकि देश को एक बेनामी की भी बात कर प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस पर भी आपने कोई राय है कि बेनामी को लेकर जो सरकार नहीं, PM चाहते हैं कि देश में प्रोग्रेस हो, देश में विकास हो, ट्रांजैक्शंस बढ़ें, इकोनॉमी आगे चले, तो जो ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करने का जो उनका लक्ष्य था उसका समय पूरा हुआ है और अब वो डेवलपमेंट के क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे वो तो कल वही बताएंगे। आखिरी सवाल, PM के भाषण से ऐसा लग रहा था जब इलेक्शन की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि देश में ऐसा एक सिस्टम है कि घंटों भर में रिजल्ट आ जाता है, तो क्या कोई नीति आयोग की कोई ऐसी योजना है कि आधार से कोई ऐसा सिस्टम हो कि इलेक्शन हो और बहुत ही फुल प्रूफ हो और बहुत ही सटीक हो? ज़रूरत नहीं है, वो तो EVM मशीन्स है, उससे तुरंत रिजल्ट आ जाता है। आधार को आप दूसरे चीज़ों के लिए इनोवेशन में यूज़ करिएगा, जैसे ट्रांजैक्शन पेमेंट्स होते हैं, ये सब तो आप यूज़ करते ही हैं। जी, तो आगे आने वाले दिनों में नीति क्या है और क्या योजना है अगर डिजिटल के लिए कैशलेस को? आप लोगों ने बहुत सारे देश में ट्रेनिंग देने का काम किया है और तमाम जगह से रिपोर्ट, नीति आयोग ने सब जगह बढ़ाया है, उसको आगे ले गया, खटाखट किया, सारे कलेक्टर्स को मोबिलाइज किया, कलेक्टर्स ने बहुत इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम किया, बड़ा सराहनीय काम किया, और यही लोग आगे फील्ड में ले जाएंगे, सरपंचेस ले जाएंगे, सब हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो आगे ले जाएंगे, और ये तो बड़ा बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा। शुक्रिया जी, मेरी इस बात का। थैंक यू। तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ये बताते हुए कि जो भीम एप्लीकेशन है वो कई मायनों में क्रांतिकारी होगा, क्योंकि इसमें अगर इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेंगे, अभी तक जो तमाम पेमेंट गेटवे में लगते हैं और लोगों को असुविधा होती है, और ये फुल प्रूफ सिक्योर होगा, आने वाले दिनों में इसको आधार से जल्द ही लिंक किया जाएगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया दिल्ली।